हेलो दोस्तों, सभी छात्रों का स्वागत है हमारे चैनल में। इस बार बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी छात्र इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि दोस्तों आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है। जी हां दोस्तों, सभी कक्षाओं के बोर्ड एग्जाम के डेट को लेकर साथ में मॉडल पेपर को लेकर जो है बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है। खास करके मैट्रिक इंटरमीडिएट के आप छात्र हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सभी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई, जो कि आप सभी के लिए जानना काफी जरूरी है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चों का यही कमेंट था कि सर हम लोग का मॉडल पेपर यानी क्लास 11 और क्लास 12 का मॉडल पेपर कब तक आएगी। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि क्लास 8, 9 और 10th का जो है प्रत्येक विषय का एक एक सेट मॉडल सेट जो है जारी कर दिया है, जो कि आप जैक के ऑफिशियल साइट पर देख सकते हैं दोस्तों। और सारे बच्चों का यह भी कमेंट था कि सर बोर्ड की परीक्षा कब होगी, इससे रिलेटेड जो है काफी बड़ी अपडेट निकल कर आई, जो कि आप सभी के लिए जानना काफी जरूरी है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों आप स्क्रीन के राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा और मॉडल पेपर को लेकर बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है, जो कि आप स्क्रीन के राइट साइड में देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है, देखिए दोस्तों आपको जो है ना पूरा डिटेल के साथ बताएंगे, पूरा पढ़ के आपको समझाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे के अपडेट में क्या क्या बताया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा अप्रैल से शुरू होगी। हालांकि परीक्षा की तिथि को लेकर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया, यानी कि दोस्तों आप सभी को बता दें, आप सभी को मैंने पिछले अपडेट में बताया कि आप लोगों की जो बोर्ड की परीक्षा है वो मार्च में होने वाली थी, लेकिन दोस्तों अब जो है मार्च में आप लोगों की बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी, वो अब अप्रैल में आयोजित की जाएगी। और अप्रैल में किस तिथि में आयोजित होगी यानी किस डेट में आप लोगों की बोर्ड की परीक्षा होगी, इसका भी निर्णय नहीं लिया गया है। तो देखिए दोस्तों यहां पे बताया गया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से बैठक में इस पर जो है मुहर लगाई गई है। परीक्षा का संचालन दो पालियों में होगी, यानी कि मैट्रिक इंटर की जो बोर्ड की परीक्षा होगी वो दो पालियों में आयोजित की जाएगी। मैट्रिक की परीक्षा में करीब 4.25 लाख और इंटर की परीक्षा में करीब 4.35 लाख परीक्षार्थी इस बार बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। परीक्षा का शेड्यूल अगले निर्णय के बाद जारी होने की संभावना है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आप लोगों की जो बोर्ड की परीक्षा थी वो मार्च में होने वाली थी, लेकिन दोस्तों उसको जो है टाल दिया गया है, यानी कि उसको जो है उस डेट को बढ़ा दिया गया है। अब मार्च में होने वाली जो परीक्षा है वो अप्रैल में होने वाली है, उसका भी डेट जो है फिक्स नहीं किया गया है। जैसे डेट फिक्स होती है उसके बाद आप लोगों का एग्जाम डेट का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। अंतिम यहाँ पे कह रहा है कि अगला के बाद जो है एग्जाम परीक्षा का शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा, इसकी पूरी संभावना है, जिससे छात्र छात्राओं की परीक्षा की तैयारी करने में सुविधा मिल सकेगी। दोस्तों एग्जाम का जो शेड्यूल है यानी कि परीक्षा का जो शेड्यूल जारी होती है, तो आप लोगों को जो है एग्जाम की जो तैयारी करनी होती है उसका एक क्या बोलते हैं जो है सुविधा जो है अच्छी तरह से मिल जाएगी। आप लोग जो है अच्छी तरह से एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे कि हम लोगों का जो डेट है यानी कि फलना डेट में जो है हम लोगों का फलना विषय है, यानी कि मैथ जो है वो फलना तारीख में है, इस तरह से आप जानेंगे तो आपको जो है अच्छी तरह से आप जो है उसका प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इस बैठक के बाद जैक अध्यक्ष ने बताया कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा में करीब 7.5 लाख परीक्षार्थी इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। इस महीने के अंत तक परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया और विलंब शुल्क की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इस महीने के अंत तक जो है आप लोगों के जो परीक्षा फॉर्म जो अभी भरा रही है उसका जो तिथि है वो खत्म हो जाने होने वाली है, और आप लोगों का जो विलंब शुल्क का जो फी है यानी कि विलंब शुल्क के साथ जो प्रक्रिया है वो समाप्त होने वाली है। इसके बाद बोर्ड की परीक्षा की तैयारी की जानी है। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जैसे ही आप लोगों का बोर्ड का फॉर्म फिलअप हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी की जानी है। साथ में यह भी बताया गया है कि परीक्षा के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाएगा, परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों का जो है यह गुड न्यूज है कि आप लोगों की जो बोर्ड की परीक्षा है वो एग्जाम सेंटर में बढ़ोतरी की जाएगी इस बार बोर्ड की परीक्षा में। और यहां पर यह भी बताया गया है, इसके साथ ही 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा अप्रैल में ही होगी, इसके बारे में फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया
गया है। यह परीक्षा हर साल फरवरी में आयोजित होती थी, लेकिन दोस्तों मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा के अलावा सभी परीक्षाएं मार्कशीट पर होगी। यानी कि दोस्तों 8वीं 9वीं और 11वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है वो मार्कशीट पर जो है आयोजित होने वाली है। और यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि यहाँ पे और एक बड़ी अपडेट है कि आप सभी के लिए यानी कि सभी कक्षाओं का मॉडल पेपर को लेकर जो है बहुत ही बड़ी अपडेट है, खास करके इंटरमीडिएट छात्रों के लिए कि इंटरमीडिएट का मॉडल पेपर कब आएगा। तो दोस्तों इंटरमीडिएट के आप छात्र हैं तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप स्क्रीन के राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे आप स्क्रीन के राइट साइड में देख सकते हैं कि ये दूसरी बड़ी अपडेट है। यहाँ पे बताया गया है कि आप सभी छात्रों के लिए मॉडल पेपर कब आएगा। ये काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट था कि सर क्लास 11th का, क्लास 12th का मॉडल पेपर कब आएगा, क्लास 10th का, 9th का और 8th का जो है प्रत्येक विषय का मॉडल सेट आ चुका है, एक एक सेट आ चुका है, जैसे कि आप सभी जो है जैक बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बारी आ गई है मॉडल पेपर यानी इंटरमीडिएट का, कि वो इंटरमीडिएट का मॉडल पेपर कब आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया है, जो कि आप स्क्रीन के राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि मॉडल पेपर अगले 2-3 दिन के अंदर जारी हो जाएगी। यानी इंटरमीडिएट की जो इंटरमीडिएट का जो मॉडल पेपर है अगले 2-3 दिन में जारी होने वाली है। और दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक ने मैट्रिक इंटर की मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर लिया है, अब इसे पब्लिश करने की तैयारी हो रही है। जल्द ही सभी बच्चों को मॉडल प्रश्न पत्र मिल जाएगी, इसे जैक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा जो है सभी छात्र छात्रों को उपलब्ध करा दी जाएगी। मैट्रिक इंटर की परीक्षा पैटर्न में इस बार काफी बड़ा बदलाव किया है, सिलेबस को कम किया गया। यहाँ पे बताया गया है कि सिलेबस को कम किया गया है और परीक्षा पैटर्न को भी काफी आसान बनाया गया है, जिनसे जो है बच्चे काफी इजी तरीके से और अच्छी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी और यह भी बताया गया है कि नए सिलेबस के आधार पर तैयार की गई इस बार मॉडल पेपर को लेकर जो है जैक की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि www.jac.jharkhand.jab.in, यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि आपको हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे या आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, झारखंड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.jac.jharkhand.jab.in पर जो है 2-3 दिन के अंदर आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ बताया है कि जैक बोर्ड के सचिव ने यहाँ पे साफ साफ कहा है कि अगले 2-3 दिन में मैट्रिक और इंटरमीडिएट का मॉडल पेपर यानी कि इंटरमीडिएट का फर्स्ट सेट और मैट्रिक का दूसरा सेट जो है जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी जैक बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पे यह भी कहा गया कि जिससे प्रश्न पत्र के आधार पर विद्यार्थियों को नियमित रूप से तैयारी कराई जाएगी। जैक बोर्ड के सचिव ने यह भी बताया है कि कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं का प्रत्येक विषय का मॉडल सेट आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। यानी कि जो बचा खुचा आप लोगों का मॉडल सेट है यानी कि प्रत्येक विषय का एक एक सेट मॉडल सेट आ चुका है कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं का, अब जो सेट 2 है वो जल्द ही सेट 2, सेट 3 और सेट 4, सेट 5 जल्द ही आप लोगों का आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। साथ में यहाँ पे यह भी बताया जा रहा है कि अब इंटर मॉडल प्रश्न पत्र जारी करने की पूरी तैयारी है, अब 2-3 दिन के अंदर आप लोगों का मॉडल पेपर ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। तो दोस्तों आप सभी छात्रों के लिए जो है बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, खास करके इंटर के छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है कि इंटरमीडिएट का मॉडल पेपर जो है आने वाला है। तो दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।